हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 8 बजे से मतदान जारी है। प्रदेश भर में बनाए गए 7,881 मतदान केंद्रों में शाम 5 बजे से वोट डाले जाएंगे। चुनाव को लेकर मतदाताओं में वोटिंग के लिए भारी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लोग कतारों में खड़े हैं। कांगड़ा भोरंज, ताशीगंग, मंडी, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, किन्नूर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना के पोलिंग बूथों पर वोटरों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 30,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के बड़े अधिकारी पोलिंग बूथों पर नजर बनाए हुए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 9 बजे तक 3.76% मतदान हुआ है। मतदान को लेकर पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने जनता से अपील की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि हिमाचल प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान का दिन है। देवभूमि के समस्त मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वो लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट देने वाले राज्य के सभी युवाओं को मेरी विशेष शुभकामनाएं। वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर के मतदान केंद्र संख्या 83-84 पर मतदान किया। उन्होंने मतदान से पहले शिमला के रामपुर में शनि मंदिर में दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश की जनता से वोट डालने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया, पहले मतदान फिर कोई काम। देवभूमि हिमाचल की जनता प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य के लिए आज मतदान करने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, सुशासन युक्त भ्रष्टाचार युक्त सरकार ही हिमाचल को प्रगति पथ पर अनवरत आगे ले जाएगी। बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के उत्सव के भागीदार बने, औरों को भी प्रेरित करें, सही चुने। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा में मतदान केंद्र संख्या 44 पर जाकर मतदान किया। इससे पहले उन्होंने मंडी के सराज में एक मंदिर में दर्शन किए। पत्नी साधना ठाकुर, बेटियां चंद्रिका और प्रियंका ठाकुर भी उनके साथ मंदिर पहुंची। उन्होंने कहा कि मेरा लोगों से अनुरोध है कि मतदान के लिए जरूर आएं और प्राथमिकता के आधार पर जाएं, ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए हो रही वोटिंग को लेकर ट्वीट करते हुए कहा, हिमाचल वोट करेगा ओपीएस के लिए, हिमाचल वोट करेगा रोजगार के लिए, हिमाचल वोट करेगा हर घर लक्ष्मी के लिए। आइए भारी संख्या में मतदान कीजिए और हिमाचल की प्रगति और खुशहाल भविष्य के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। दरअसल इस बार हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय है। पहले मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच होता था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी दोनों को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में है। वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने पुख्ता तैयारियां की। राज्य में 55 लाख से ज्यादा वोटर हैं। ये मतदाता 68 निर्वाचन क्षेत्रों में 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। INS रिपोर्ट।